नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नैन्सी कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में सीखेंगे हम कि अगर एक्सेल एमएस एक्सेल में हम कंसोलिडेट को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंसोलिडेट जो डेटा मेन्यू का एक ऑप्शन है, कंसोलिडेट ये देखिएगा डेटा मेन्यू, और डेटा मेन्यू में ऑप्शन मिलता है हमें कंसोलिडेट। कंसोलिडेट के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी अदर शीट से अगर कोई भी डेटा अगर हमें इम्पोर्ट कराना है, उसे जोड़ना है या मिक्स में वैल्यू निकालना है, मतलब आप कोई भी एक फंक्शन पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक सीट पर डेटा है तभी आप काम कर सकते हैं, अगर हर डेटा अलग अलग सीट पे है और हर सीट का डेटा मुझे एक सीट पे सम करना है, मैक्सिमम निकालना है या मिनिमम निकालना है या काउंट करना है, तो बहुत ही आसानी से कंसोलिडेट के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करते देखते हैं। करना क्या, हमारे पास देखिए कि सीट है, इस सीट में क्या हुआ है कि हर स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है, टोटल जो उनका फीस है 2100 रुपये है, और इनका जो मंथ फीस है टोटल यहाँ पे 21 फीस तो हो गया। अब टोटल फीस कितना होगा तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, टोटल फीस मैं ऐड कर देता हूँ, टोटल फी। ठीक है, ये हो गया आपका कोर्स का फीस, मैं कर देता हूँ यहाँ पे कोर्स कोर्स फी, ये टोटल फीस। ठीक, यहाँ पे जनवरी है, फरवरी है और मार्च है, हर माह में कौन कौन बच्चा कितना फीस जमा कर रखा है, सब रिकॉर्ड ऐड किया गया है। अब हमें क्या करना है, तीनों सीट का डेटा एक सीट पे इंपोर्ट कराना है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जनवरी में क्या क्या सी है, स्टूडेंट का नाम है, डेट है और मंथ का फीस है। ये कोई भी बच्चा फीस नहीं जमा कर रखा, हमने उसको ऐड करके अलग रखा है। फॉर्म देखते हैं, सब बच्चे फीस जमा कर रखे हैं, यहाँ पे कोई 700 जमा किया है, कोई 500 जमा किया है, कोई 600 जमा कर रखा है, ठीक है, कोई जमा ही नहीं किया है। फिर आते हैं मार्च में, मार्च में देख लीजिए सब बच्चे जमा कर रखे हैं, कोई 500, 400, 600, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल फीस वाले टेबल पे आना है। अब हमें यहाँ देखना ये है कि कौन सा स्टूडेंट टोटल फीस फाइल कर चुका है और किसका फीस बकाया है। ठीक है, तो यहाँ से हम कंसोलिडेट के द्वारा बहुत ही आसानी से उसे इंपोर्ट करा सकते हैं। करना क्या है, करना हमें ये है कि यहाँ पे इस टेबल में जहाँ पे मुझे उसका फीस इंपोर्ट कराना है उसको करना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे, कंसोलिडेट पे क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे कंसोलिडेट खुल के आ गया और यहाँ पे देख दिया है फंक्शन। अब देख हमने बताया ना कि यहाँ पे सम कर सकते हैं आप, काउंट कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम प्रोटेक्ट, मतलब जिस फंक्शन पे आपको काम करना है उस फंक्शन को आप यहाँ से सेट करके और आप अपने डेटा को अपने इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे सम करना, भाई हमें 3 मंथ का फीस ऐड करना है कि तीनों मंथ का फीस जो हमारा है वो टोटल जमा हो गया है या नहीं जमा हो गया है, तो उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। ठीक है, 3 सीट का डेटा मुझे एक सीट पे इंपोर्ट कराना है, तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे तो सबने ऐड कर दिया, यहाँ देखे दे रखा है रेफरेंस, रेफरेंस में आएंगे और हर सीट का डेटा यहाँ पे ऐड करेंगे। तो रेफरेंस में क्लिक करने के बाद आप जनवरी सीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा, देख लीजिए दे रखा है जनवरी, उसके बाद C2, उसके बाद डॉलर का सिंबल लगा रखा है C11। ठीक है, मतलब C2 का मतलब क्या हो गया, C2 का मतलब क्या हो गया, जो 700 है, और C11 का मतलब है जो टोटल फीस मंथ का है। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हम आएंगे फेबरी वाले में, फेबरी वाले पे क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ ऑटोमेटिक देखे सेलेक्ट हो गया है, बस मुझे ऐड करना है। फिर हम आएंगे मार्च में, मार्च में देखा ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक उठा लेता है, तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ऐड कर लेना। देख लीजिएगा यहाँ पे हर सीट का डेटा जैसे मंगाएंगे, देखिए यहाँ पे जनवरी है, फरवरी है, ठीक है, इस समय हम मार्च वाले सीट पे काम कर रहे हैं, तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे मार्च C2 और उसके बाद डॉलर का सिंबल अनुपाते C11 ऐड हो गया है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है ऐड। ऐड करने के बाद अब आएंगे हम टोटल फीस वाले टेबल पे, यहाँ पे हमारी कितनी फीस हुई, तो करना क्या आपको यहाँ पे टोटल वाले फीस पर, टोटल फी टेबल पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ओके कर देना है,
देखा टोटल फीस हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। चंद कौन है भाई, चंदन मौर्या, इनकी फीस कितनी, 2100 रुपया जमा हो चुका है। देख लेते हैं भाई 2100 रुपया जमा नहीं जमा है, तो जनवरी में देखते हैं, जनवरी में इनका 700 रुपया जमा हो गया है, ठीक है। फरवरी में 700 जमा हो चुका है, मार्च में 700 जमा हो चुका है। मान लीजिए मैं किसी मंथ में अमाउंट कम कर दे रहा हूँ, फरवरी में आए और चंदन मौर्या का मैं कर दे रहा हूँ 500 रुपये, तो देखिएगा यहाँ पे टोटल फीस वाले में अभी अमाउंट घटा नहीं है। अमाउंट कब घटेगा, जब इसको हम क्लिक करके ऐसे एक बार कंसोलिडेट पे आप क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए, तो देखिएगा ऑटोमेटिक अमाउंट यहाँ पे आपका अपडेट हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप इसे चेक करना चाहते हैं, तो आप किसी भी मंथ का अमाउंट घटा दीजिएगा, घटाने के बाद आप इस टेबल में कहीं भी क्लिक करिए, मैं नहीं कह रहा आप इसी में क्लिक, कहीं भी क्लिक करने के बाद कंसोलिडेट पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक अमाउंट अपडेट हो जाएगा, ठीक। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो अमाउंट है वो सही तरीके से आया हुआ कि नहीं आया हुआ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैं एक सीट और ले लेता हूँ, एक सीट लेने के बाद इसे भी साइड कर लिया हमने, और इसके टोटल अमाउंट को जोड़ लेते हैं, ये समझ में आ जाएगा। मैं जनवरी में गया, जनवरी में जो फीस आ रही है वो आ रही है 4200 रुपया, चलो भाई तो हमने यहाँ पे इसको 4200 रुपया ऐड कर लिया, 40, ठीक है। उसके बाद मैं गया फरवरी में, फरवरी में जो फीस आ रही है फरवरी मंथ में वो आ रही है 4700 रुपया, चलो भाई हमने यहाँ पे कर दिया 4700, ठीक है। फिर आएंगे यहाँ पे, अब मुझे चल रहा है मार्च में, मार्च में जोड़ लेते हैं, मार्च की फीस जो आ रही है 5100 रुपये आ रही है, तो हमने यहाँ पे कर दिया 5100, ठीक। इन दो तीनों वैल्यू को जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, जाना पड़ेगा यहाँ पे सम और कर देना है सम फंक्शन, और इसे ऐड कर देना है, ठीक, और इंटर लगा देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 14000 रुपये। और यहाँ पे कितना आ रहा भाई देख लीजिएगा, टोटल फीस में कितना आ रहा है, 14000 आ रहा है, आ रहा है ना, क्लियर। यहाँ पे देखिएगा जो अमाउंट यहाँ पे है वही अमाउंट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने वैल्यू को चेक कर सकते हैं, और अलग अलग सीट से डेटा के नंबर या वैल्यू को एक सेल सीट में उसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम एवरेज जो आप चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कंसोलिडेट को यूज कर सकते हैं। आशा है वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा।